तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये कि बोर्नियो जो टूल आता है उस बोर्नियो टूल को एक्टिवेशन कैसे करते हैं। दूसरी बात क्या दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अभी मोबाइल फोन रिपेयरिंग के ऊपर एक बोर्नियो के ऊपर एक सीरीज निकाला हुआ है कि जितने भी हमारे ऐसे स्टूडेंट है जो काफी टाइम पे पहले सीख के गए हुए हैं। जो काफी टाइम पे पहले वो लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स सीख के जा चुके हैं और आज वो अपनी दुकान चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि नए नए जो डिवाइसेस आ रही है, नए नए जो टूल आते जा रहे हैं, तो उन टूल के लिए क्या वो लोग काम नहीं कर पाते। तो उन लोगों ने मैसेज किया कि सर मुझे एक बोर्नियो टूल जो है जो आजकल के लेटेस्ट चल रहा है तो मुझे इस टॉपिक पे एक वीडियो दे दीजिए जिससे मैं उस टूल को परचेज कर सकता हूँ। वो कोई असम से रहने वाला है, कोई झारखंड से रहने वाला है, कोई बिहार से, कोई दिल्ली से, कोई कलकत्ता से, इतने दूर दूर से जो बच्चे हैं वो सीख गए हुए। तो हम लोग उनके हेल्पिंग के तौर पर एक सिमेटिक के ऊपर मैंने वीडियो निकाला हुआ है, कम से कम 15 से 20 वीडियो हैं। अगर वो बच्चे लोग इस टूल को अगर परचेस कर लिया है या परचेस करना चाहते हैं, आगे उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से वो काफी चीजें सीख सकते हैं। और इसमें से ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो आज मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान चला रहे हैं, आधा अधूरा काम कर रहे हैं, थोड़ी सी कहीं परेशानी आती है, इस टूल के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो वो लोग भी इसके माध्यम से मदद ले सकते हैं। इससे पहले के जो मैंने वीडियो में दिया था उस वीडियो में मैंने ये बताया हुआ था कि इस टूल का कैसे उपयोग करेंगे या इस टूल क्या है, क्या काम किया जाता है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, इन सब चीजों के बारे में समझा था। आज जो मैं आपको वीडियो बताने वाला हूँ ये मैं बोर्नियो सॉफ्टवेयर उसको एक्टिवेट कैसे किया जाता है। जैसे मेरे पास ये लैपटॉप है, एक हमारे पास स्टूडेंट है और इनका ये पूरा टूल एक्टिवेट करके मैं आपको दिखाऊंगा, टूल को चालू करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको उपयोग किया जाता है, कैसे इसको चालू किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको दोस्तों वीडियो देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखें, समझें, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आती है तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अगर कोई कोई चीज पूछना है, कोई चीज समझना है तो भी आप कॉल कर सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक ऊपर चलते हैं। सबसे पहली बात क्या है, जो बोर्नियो सॉफ्टवेयर आता है ये सिंगल यूजर में आता है, सिंगल यूजर में आता है या टू यूजर में आता है। टू यूजर का मतलब दो लोग मिलकर के इसको ले सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को। यह सॉफ्टवेयर का जो कीमत होता है ये घटता बढ़ता रहता है, एक लोग लेते हैं तो महंगा पड़ता है, दो लोग मिलकर के लेते हैं तो सस्ता पड़ता है। इस सॉफ्टवेयर को लेने का तरीका क्या है कि जब आप जो टीम से जो लोग जुड़े हैं जो बोर्नियो सॉफ्टवेयर को जो सेल करते हैं आप उनको जो फोन करते हो तो फोन करने के बाद वो आपको एक कोड देते हैं। क्या देते हैं? कोड देते हैं। कोड का मतलब होता है XYZP1C2, ऐसे 4-5 अंक, 6 अंक का, 7 अंक का, 8 अंक का, ऐसा आपको कोड देते हैं। उस कोड के माध्यम से ही एक्टिवेशन होता है और इस कोड के लिए हमारी एक जीमेल अकाउंट की जरूरत पड़ती है। एक ऐसा जीमेल अकाउंट चाहिए जो फ्रेश, जो आज तक कभी भी बोर्नियो टीम में यूज ना किया गया हो। अगर वो यूज किया जा चुका है तो आपको दूसरा बनाना पड़ेगा, वरना बोलेगा कि ये अकाउंट ऑलरेडी एग्जिट, मतलब ऑलरेडी पहले से यूज हो चुका है तो आप लोग उसका नहीं यूज कर सकते। और आप लोग उसमें आईडी पासवर्ड क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब दोस्तों मैं पासवर्ड को लॉग इन करूंगा तो वो चीज मैं आपको नहीं दिखाई दूँ, वो आपको नहीं दिखाई जाएगी क्योंकि वीडियो में हिडन होगी, क्योंकि किसी की पर्सनल चीज है। और बाकी आप उसी तरीके से पूरा काम कर सकते हैं, मैं पूरा ए से लेकर जेड तक स्टेप पर लॉग इन करके आपको पूरा दिखाने वाला हूं। तो चलिए हम लोग अपने सिस्टम पे चलते हैं और कैसे इसका यूज करेंगे उसका तरीका जानेंगे। ये जितने भी सारी वीडियो हैं ये सारी हेल्पफुल हैं और ये जो वीडियो मैं आपको बना के देता हूं इसमें से सॉफ्टवेयर में दोस्तों चेंजेस होता रहता है, समय समय पर चेंजेस होता रहता है, तो आप उस चेंजेस को भी ध्यान रखेंगे कि आज आपने वीडियो देख लिया, कल को सॉफ्टवेयर में कोई नया चेंजेस हो जाता है तो आप ये मत बोलें कि सर आपने जो सिखाया था वैसा हमको नहीं मिला, क्योंकि मैं आज के टाइम पे जो चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कल को कोई अपडेट हो जाएगी तो आप इसी तरीके से आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। सबसे पहली बात, हम लोगों को खोलना पड़ेगा अपने सिस्टम में गूगल। जब आप गूगल खोलेंगे गूगल में आपको टाइप करना पड़ेगा,
तुम्हारा अकाउंट लगता है इसमें से लॉगिन है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, टाइप करेंगे बीओ बोर्नियो सिमेटिक हार्डवेयर सॉल्यूशन, ऐसा लेकर के आप दोस्तों सर्च करेंगे। जैसा ऐसा लेकर के सर्च करेंगे तो आप इसकी वेबसाइट के अंदर चले जाएंगे। आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, यह वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट में आपको टूल डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा, डाउनलोड मिल जाएंगे। ये देखिए, आप इसमें, मैंने आपको बोला था, समझाया था कि इसमें दो दो ब्राउजर हमेशा डाल कर रखिए। कई बार एक ब्राउजर नहीं खुल पाता किसी कारणवश, तो आप दूसरे ब्राउजर का यूज कर लीजिए। अकाउंट यूज करने के लिए बोलेगा ये। चलिए मैं दूसरी जगह से डाउनलोड कर लेता हूँ। सबसे पहली बार दोस्तों हमको इसमें गूगल खोलना पड़ेगा, क्योंकि गूगल के माध्यम से ही हमारी वेबसाइट एक्सेस हो पाएगी। डब्लू रुक जाइए, हमारा सिस्टम थोड़ा सा यहाँ रुक रहा है। खुल जाने दीजिए। www ये गूगल खुल गया। गूगल खुलने के बाद यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे बोर्नियो सिमेटिक, जैसे बोर्नियो सिमेटिक डाउनलोड करेंगे ये वेबसाइट पहले ही ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर खुल गया। जब यहाँ पर ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख कर गया कि सेटअप बोर्नियो सिमेटिक 7.0। इस समय पर दोस्तों 7.0 वर्जन चल रहा है, हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे, एक्टिवेट करने के बाद इसको चालू कैसे करेंगे, क्योंकि जितने भी सारे लोग हैं सब लोगों के साथ में प्रॉब्लम आ रही है, वो लोग इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इस सॉफ्टवेयर को आपने डेस्कटॉप में क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। जैसे डेस्कटॉप में पेस्ट कर दिया तो उसका जो सेटअप है वो आपके स्क्रीन में आ जाएगा। इसको एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे। जैसे एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो सॉफ्टवेयर खुल करके आपके स्क्रीन में आ जाएगा। ये जो सॉफ्टवेयर स्क्रीन में आ जाएगा तो इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा दोस्तों। पहले जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, यस करेंगे, इंग्लिश डेस्कटॉप आइकन क्रिएट करेंगे,
ये सॉफ्टवेयर आपके स्क्रीन में इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप हार्डवेयर की काफी सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं और आपको रिपेयरिंग के लिए एक बहुत बेहतर चीज है, और जो नए लोग हैं उनके लिए तो फिलहाल खास तौर पर बहुत अच्छी चीज है। इस सॉफ्टवेयर को बहुत सारे टेक्नीशियन लोगों ने अपने सुझाव से मिल करके सॉफ्टवेयर को बनाया हुआ है, ताकि जितने नए नए लोग जो पर्सन हैं उन लोगों की मदद हो सके, या जो लोग एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग या रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो वो लोग इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकते हैं। हम लोग इस सॉफ्टवेयर का, हमारा देखो आइकन बन के आ जाएगा शॉर्टकट में, तो इस आइकन को खोलेंगे, ये हमारे स्क्रीन में खुल गया। जब स्क्रीन में खुल गया तो पहले आईडी पासवर्ड मांगता है, आईडी पासवर्ड डालिए चालू हो जाइए। अगर आईडी पासवर्ड नहीं आपको पता तो ये यहाँ पर रजिस्टर्ड करने के लिए बोलता है, क्या बोलता है, रजिस्टर्ड न्यू यूजर। तो ये दिख रहा है दोस्तों, लिख क्या रहा, रजिस्टर्ड न्यू यूजर, वहां पर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जब रजिस्टर्ड न्यू यूजर पर करेंगे तो हम लोग रजिस्टर्ड न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे, तो देखिए ऐसा फॉर्म खुल जाएगा। जब फॉर्म खुल जाएगा तो इस फॉर्म को ही फिलअप करना होता है, क्या करना होता है दोस्तों, इसी फॉर्म को क्या करना है, फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या करना है, सबसे पहली बात क्या करना है, यूजर नेम डालना है, क्या डालना है, यूजर नेम, नाम बताइए अपना, शिवम, शिवम एट द रेट बीरेंद्र, चेंज हो जाए यूजर नेम, नहीं बार बार आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो, यूजर नाम हमेशा के लिए बना रहेगा। ठीक है, अब अपना ईमेल आईडी बताइए, स्पेलिंग सही बोलिए आप, S H I V A M M O B I L E M O B I L E S H O P S H O P 28 28 at the rate gmail .com सही है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, पहले ना बना दिया आईडी बना दिया, अब उसके बाद ये बोलेगा फोन नंबर डालो, तो हम फोन नंबर डाल देते हैं। नंबर बोलो वीरेंद्र का, वीरेंद्र का नहीं, नहीं वीरेंद्र का बोलो, इक्यानबे पच्चीस इक्यानबे पच्चीस सत्तर छत्तीस अड़तीस, ये हमने फोन नंबर डाल दिया। अब ये पासवर्ड के लिए बोलेगा, पासवर्ड कम से कम 5 डिजिट का आपको पासवर्ड बनाना है, तो पासवर्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा पासवर्ड हो गया। अब पासवर्ड होने के बाद हम लोग को ऊपर जाना है, अब यहां पर आपको डालना है एक्टिवेशन कोड, क्या डालना है, एक्टिवेशन कोड। इस एक्टिवेशन कोड को ही हमको हिडन करके रखना होता है, जैसे हमारा एक्टिवेशन कोड है BHDSVYKEY, ऐसे हमको एक्टिवेशन कोड डालना है। इस तरीके से जो आपको एक्टिवेशन कोड मिलेगा वो डालना है, ये फिलहाल नहीं डालना, और ये एक्टिवेशन कोड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस एक्टिवेशन को क्या करते हैं, बैक करते हैं, अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेशन कोड को क्या करना पड़ेगा,
टाइप करना पड़ेगा। कैसे टाइप करेंगे दोस्तों, मैं टाइप करके पूरा एक्टिवेट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अपने स्क्रीन पे जाएंगे, अभी फिलहाल नहीं दिखाई देगा क्योंकि स्क्रीन को हमने फ्रीज कर रखा है, आप कोड नहीं देख सकते। ये लोग वही कोड देख सकते हैं जिन लोगों ने इसको परचेज किया है। आपको उसका यूज करने के लिए आपको अपना कोड परचेज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आई एक्सेप्ट क्या करेंगे, टिक लगाएंगे, और टिक लगाने के बाद क्या करेंगे, साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, साइन अप हो जाएगा। ओनली अल्फा न्यूमेरिक स्पेस अलाउड। जब हम लोग इसको एक्टिवेट करते हैं तो इसका आईडी पासवर्ड जो होता है उसका एक बार फोटो खींच कर रख लेते हैं, ताकि गरका को अगर हमारे पास भूल जाते हैं, कोई मिस हो जाता है, तो हमारे पास हमेशा बना रहता है। यूजर नेम ऑलरेडी गिट ट्राई अनदर, ये कह रहा है यूजर नेम पहले से ही है, दोबारा ट्राई करें। तो हमने शिवम ईटेक, ये हमारा यूजर नेम रजिस्टर्ड हो चुका है। मैं स्क्रीन को हटा देता हूँ। ये यूजर नेम रजिस्टर्ड हो गया है। रजिस्टर्ड होने के बाद ये बोला आईडी पासवर्ड डालो, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने रजिस्टर्ड किया तो आईडी पासवर्ड डालिए, आपका लॉगिन हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज कर लिया। अब यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद जो मैंने आईडी क्रिएट करी है उस आईडी को मैं क्या करूँगा, इसमें से लॉगिन करूँगा। जैसे फिर हमको क्या करना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है। ये हमने आईडी डाल दिया, अब हमको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। ये हमने आईडी पासवर्ड दोनों डाल दिया, यहाँ पर क्लिक कर देंगे ताकि हमेशा इसको याद रहे, बार बार पूछे ना। उसके बाद लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे तो देखिए हमारा टूल एक्टिवेट हो गया, हमारा टूल क्या हो गया, लॉगिन हो गया। ये देखिए दोस्तों खुल गया। यहाँ पर देखो शिवम मोबाइल इस नाम से आईडी एक्टिवेट हो गई है। आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट में जाएंगे, देखिए यहाँ पर जैसे लगा ना, यहाँ पर लिख के आ रहा है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है वो लिख करके आती है कि ये क्या है, इसका कोड क्या है, ये सारी बातें सब चीजें लिख करके आती हैं। और ये हमारा सॉफ्टवेयर खुल गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप ट्यूटोरियल में चले जाएंगे।
इस ट्यूटोरियल के माध्यम से जो भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर यहाँ पर खुल जाएंगे और एक एक करके जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन को इसके माध्यम से सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग कर सकते हैं। इस कोड को आप चाहो तो दोबारा रीसेट भी कर सकते हो, फॉरगेट भी कर सकते हो, या कई बार पीसी चेंज करोगे तो पीसी चेंज करते समय हमको इसका पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, हमको दोबारा इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने में इसमें समय भी लिख करके आता है, कितने समय तक है, कितने टाइम तक है, ये सारी बातें यहाँ पर लिख करके आती हैं। जैसे यहाँ पर पूरा डिटेल लिख करके आता है, ये डिटेल लिख करके आ रहा है कि जो कोड है ये इसका कोड है, और ये तुम्हारा क्रिएट मतलब कितने तारीख से, 26/2/2024, ये सारा पूरा डिटेल लिख करके आ रहा है, दिख रहा ना, ये सारा पूरा इन्फॉर्मेशन लिख के आ गया, ये इन्फॉर्मेशन लिख करके आ रहा है। तो इन्फॉर्मेशन लिख के आते समय हम लोग क्या करेंगे, ये देख लेते हैं कितने तारीख से, 26/2/2024 इतने बजे एक्टिवेट किया गया है, 25/2/2025 इतने तारीख तक ये क्या होगा, चलेगा। ये सारी बातें यहाँ पर लिख करके आती हैं। तो जो ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख करके आती हैं तो इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग हमेशा के लिए सेव करके रखते हैं और अपने पास यूज करते रहते हैं। इस कोड को आपको संभाल के रखना है, ये आपका हमेशा काम आएगा। इसके माध्यम से जो भी मोबाइल फोन आएंगे उस मोबाइल फोन को आप तो रिपेयर करते रहेंगे, लेकिन कल को अगर कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो आप बोर्नियो टीम को जब फोन करेंगे तो वो सपोर्ट से पहले आपसे ये पूछेगा, भैया तुम्हारा कोड क्या है और उस कोड में कौन कौन सी जीमेल आईडी लगाई है। तो जैसे तुमने उसको बताया कि ये मेरा कोड है, ये मेरी जीमेल आईडी लगी है, तो आपको इसमें से फिर से दोबारा से चालू कर देंगे और कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज दोस्तों हम लोगों ने ये समझा हुआ है कि हम लोग इस कोड को एक्टिवेशन कैसे करेंगे, इस टूल का यूज कैसे करेंगे, और दूसरी बात क्या है, इसको आप कैसे चालू कर देंगे, मतलब गूगल से डाउनलोड करके एक्टिवेशन से लेकर के मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में आज आपको वीडियो आपको दिया हुआ है। ये हमारा जो वीडियो है ये बोर्नियो टूल को एक्टिवेशन कैसे करेंगे, डाउनलोड करने से लेकर के एक्टिवेशन तक का वीडियो दिया हुआ है, उसके आगे यूज करने का वीडियो मैं आपको आगे के पार्ट में दूंगा। और वीडियो के माध्यम से इस तरीके से आप लोग सीखते रहिए, और इस तरीके से अगर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट मोबाइल फोन रिपेयरिंग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स को सीखना चाहते हैं, तो आप ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सागर मार्केट में पड़ता है, ये सागर मार्केट मोबाइल फोन की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पर दुनिया जान के जितने भी सारे लोग हैं सब लोग मोबाइल फोन ठीक कराने के लिए आते हैं। ये कानपुर रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में है। अगर आप लोग अगर ऐसा कोर्स सीखना चाहते हैं, ये पूरा मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, फोन करें, जानकारी लें कि कैसे सीखना है, सीखने का तरीका क्या है, कितना खर्चा आएगा, रहने का क्या सुविधा है, सारी बातों के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।